गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं लेकर जा रहा हूँ आपको भिवाड़ी में, जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ बाबा मोहन राम जी का मंदिर, जो कि काफ़ी एडवेंचरिकल होने वाला है। और चारों तरफ वो जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये देखिए, ये आप देख के समझ ही सकते हैं पीछे है। तो वो जो देख रहे हैं पीछे, वो इसका एंट्री गेट है, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। इस साइड से, इस साइड से आने का है, और दूसरी साइड से पीछे टीन लगे हुए, यहाँ से जाने का रास्ता है। तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। रोड थोड़ा खराब है यहाँ का। ये देखिए यहाँ पे, ये कितना एकदम ढलानी है, और ये कितनी खड़ी चढ़ाई है। तो मैं ट्राई करता हूँ उस पर चढ़ने का। तो रेडी हूँ मैं इसके ऊपर चढ़ने के लिए, और देखता हूँ कि मैं इसके ऊपर चढ़ पाता हूँ कि नहीं। मुझे पूरी की पूरी बियर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ रही है, डिस्कवरी वाली। तो चलिए चलते हैं। ये पत्थर जो है काफ़ी चिकना है, तो गिरने के चांस काफ़ी ज़्यादा है इसको। बस बहुत है। नहीं 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 नहीं, अरे आजा। अरे रुक जा। फाइनली मैं पहुंच गया ऊपर। यहाँ तो गया हूँ, लेकिन ये नीचे आने में मेरे को डर लग रहा है। तो अभी यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं ऊपर की साइड, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था झंडे के पास में, बस वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। एक बार आपको लोकेशन चेक करा देता हूँ। ये देखिए कितना शानदार लोकेशन है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं पत्थरों के। और ये लोकेशन है भिवाड़ी में। अभी यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे लोग ये घर बना के जाते हैं। ये देखिए ऐसे लोग ना ये बना के जाते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न है कि इसे घर बसता है, जिसको बीवी अच्छी मिल जाती है और खुशी घर में को शादी रहती है, बस यही सब है। तो मैं जो है अपना घर यहाँ पे बनाऊँगा, इस चोटी पे सबसे ऊपर रहेगा मेरा घर। तो मैं भी जो है अपना घर बना रहा हूँ। का पत्थर देखो गाइस, ये दूसरे के घर का पत्थर चुरा के ला रहे हैं, जब ये अपना घर बना रहे हैं। दूसरे घर का नहीं लाया मैं, अपने चुरा के लाया। तो मेरा घर बन के रेडी हो चुका है, देखिए गाइस ये घर बन चुका है इनका। तो ये वाला घर जो है मैंने बनाया है, और ये बाकी लोग उधर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर आपको दिख रहा होगा। वो आपको दिख रहा है वो झंडा, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, उधर ही जाना है। काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, आप देख सकते हैं वो जा रहे हैं टूरिस्ट। और वहाँ पे देखिए एक मंदिर है, अभी नीचे आके आपको हम दिखाएंगे। और लोकेशन चेक कीजिए, और वेदर देखिए, काफ़ी शानदार वेदर है। इसका रास्ता जो है वाकई में थोड़ा ख़राब है, लेकिन ऐसे रास्ते पर भी लोग जो हैं वो नंगे पैर आते हैं और इसका सफ़र तय करते हैं। तो अभी मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था झंडा लगा हुआ है, बस वहीं की तरफ जा रहा हूँ। और ये देखिए वो जो झंडा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर उसके टॉप पर। और ये है ऊपर आने के बाद का शानदार नज़ारा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा, ये भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि आपको इन पहाड़ों से आके दिख जाएगा। और वो जो आप सामने चिमनी देख रहे हैं, वो सेंट गोविंद कंपनी की है, सबसे बड़ी कंपनी है ये भिवाड़ी में, काफ़ी बड़ी कंपनी है। आंखें खुली हो या हो बंद, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार तुमसे होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, प्यार कैसे होता है। तो आप चलते हैं गाइस नीचे की तरफ फटाफट से। और जाते जाते मुझे ये अंकल दिखे, जो कि इस रोड को काफ़ी शिद्दत से बना रहे हैं। ये देखिए जो पत्थर वाला रोड है, उसको एकदम प्लेन करके मिट्टी का बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अंकल।
अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए मैंने आपको दिखाया था मंदिर, वहीं पे मैं आपको लेके आ गया हूँ और ये काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो चलिए चलकर देखते हैं कि आखिर ये भीड़ किस लिए लगी हुई है, थोड़ा पास चल कर देखते हैं। तो यहाँ पे लोग जो है एक पत्थर है उसके अंदर एक थोड़ा गड्ढा टाइप का है, उसमें अपना हाथ डाल के जो है सिक्का निकाल रहे हैं। सुना है इससे कुछ जो है मन्नत पूरी इधर से निकलता है बाहर है। तो ये था वो पत्थर जहाँ पे लोग हाथ डाल के जो सिक्का जो है बाहर निकाल रहे थे। ये देखिए इस टाइप के यहाँ पे बने हुए हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी कॉइन इधर से डालोगे तो आप इस होल से जैसे कौन डालोगे तो इस होल से आप निकाल सकते हैं उसको, ऐसा माना जाता है। नहीं निकलता भी है, चाहिए काफी लोग डाल के निकालते भी है। निकाल के दिखाएंगे आप हमको। छोड़ना वहाँ पे एक गुफा है, उसमें जाके उसमें गुफा में जाके देखता हूँ अंदर क्या है। तो चलिए चलते हैं और आपको लेके चलता हूँ मैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि रोड देख सकते हैं आप नीचे। तो अभी हम इस काली खोड़ी से नीचे की तरफ जाएंगे। मैं उधर ऊपर जाने की सोच रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ उधर से रास्ता। इसका मेरे को आई थिंक ये वाला है, इधर से तो मेरे को दिख नहीं रहा, वो मैं समझ गया। ऊपर दिख रहे हो, तो ट्राई करता हूँ मैं इधर से जाने की। चट्टान थोड़ी ऊपर है, यहाँ पे ऊपर मंदिर बना हुआ है लेकिन यहाँ पे थोड़ी मेरे को ग्रिप कम मिल रही है। फाइनली मैं ऊपर की तरफ पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। मैं ऊपर पहुँच गया हूँ और ऊपर आने के बाद ये देखिए ये है कुछ इस टाइप की गुफा है, यहाँ पे लगी हुई यहाँ पे मोहन राम बाबा की, और यहाँ पे लोगों ने दीपक जला रखे इसलिए से ये थोड़ा सा काला हो रखा है। जय। और मौसम जो है देखिए ख़राब हो चुका है, चारों तरफ बादल ही बादल आ चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं भीग जाऊँ, तो हम फटाफट से चलते हैं वापस। तो गाइस एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी एडवेंचरिकल एक्सपीरियंस रहा। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे क्या बोलते हैं उसको क्लाइंबिंग, तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी क्लाइंबिंग की है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है लेकिन चढ़ाई करके मुझे मज़ा आ गया। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।